वाइज, तो आप लोगों ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि PMCC के कैंपस टूर देखना है, तो आज हम इस वीडियो में आपको PMCC के कैंपस टूर दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू नीट हैकर्स। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि PMCC का कैंपस टूर दिखा दो, इसके बाद हम लोग हॉस्टल टूर भी दिखवाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में PMCC का कैंपस टूर सिर्फ आपके लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है PMCH का मेन गेट, जो कि पटना के मरीन ड्राइव की तरफ खुलता है। इसी तरफ फेज वन में जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है PMCH का, वो सारा फेज वन में इसी गेट के आसपास चल रहा है। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग गेट नंबर 2 की साइड से देखने वाले हैं, जहां PMCH का अभी प्रेजेंट का जो कैंपस है वो चल रहा है। तो गाइज, अभी आप जो देख रहे हैं वो है PMCH का गेट नंबर 2, यानी पटना मेडिकल कॉलेज का गेट नंबर 2, जो कि अभी प्रेजेंटली फंक्शनल है। अब आप देख पा रहे हैं गेट के डायरेक्ट सामने OPD है, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी वैसे पेशेंट्स जिनको कि एक ही दिन में अपने बीमारी को दिखला करके वापस लौटना होता है, वे सभी OPD में अपने इलाज करवाते हैं। अब जो आप देख पा रहे हैं वो है स्किन डिपार्टमेंट का OPD। यहाँ पे स्किन रिलेटेड पेशेंट्स अपने आप को दिखलाने आते हैं। OPD को क्रॉस करने के बाद अब हम बढ़ते हैं कैंपस के अंदर। कैंपस के अंदर आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, जो कि अभी इस सीज़न में प्रेजेंटली और भी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय सुबह के 6 बजे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि PMCH इतना बिजी हॉस्पिटल है कि यहाँ अभी भी आपको लोग इधर उधर जाते हुए अपने पेशेंट्स को दिखलाते हुए दिख जाएंगे। आप सभी जो मेडिकल कॉलेज आना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो सुबह सुबह उठकर शूट किया है, तो चलो वीडियो का आनंद लो। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है उसे हम लोग कहते हैं हथवा वार्ड। हथवा वार्ड में क्या होता है कि OPD में जो भी पेशेंट्स सीवियर होते हैं उनको अगर हमें लंबे समय के लिए रखना है तो उन्हें हथवा वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और अब आप जो देख रहे हैं वो है हमारे PMCH का आइकॉनिक पिक्चर, जो कि अक्सर जब भी न्यूज़पेपर में PMCH रिलेटेड इमेजेस डाले जाते हैं तो यही इमेज डाला जाता है, क्योंकि ये सच में यूनिक दिखता है। और यहाँ पे लगी हुई है एक एम्बुलेंस, जो कि सुबह सुबह अपने काम पर जाने के लिए तैयार है। तो गाइज, अब आप जो देख रहे हैं वो है हॉस्टल। इसमें से एक हॉस्टल जो आगे आपको दिख रहा है वो पुराना है, वो टूटने वाला है, और पीछे जो है वो नया हॉस्टल बन रहा है जिसमें कि अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है आप जब भी आएँ तब नया अलॉटमेंट आपके बैच से ही स्टार्ट हो। और ये है वो रास्ता जो कि हॉस्टल्स की तरफ जाता है। अब आप जो देख रहे हैं वो हथवा वार्ड का ही कंटिन्यूएशन है, और आगे इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर वार्ड है मेडिसिन वार्ड। तो यही है मेडिसिन डिपार्टमेंट का गेट, जहाँ से मेडिसिन डिपार्टमेंट में एंटर किया जाता है। अब आप जो देख रहे हैं वो है बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट। ये भले ही देखने में अभी थोड़ा पुराना लग रहा है, लेकिन अभी आप इस वीडियो में जितना भी कुछ देखने जा रहे हैं या अभी तक देखे हैं वो सब कुछ टूट कर नया रिकन्स्ट्रक्ट होने वाला है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अब आप जो देख रहे हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यानी कि ऑफिस वाला एरिया। काउंसलिंग के टाइम जब सबसे पहली बार आप आएंगे तो आपको यहीं सबसे पहले आना होता है। ये लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल PMCH पटना। तो आइए अब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वाले एरिया को भी थोड़ा डिटेल में देखा जाए। तो ये है इसकी बिल्डिंग जो बाहर से दिखती है, और उसके सामने आप देख सकते हैं कि PMCH का कैंटीन भी है। तो आप ऐसा ना समझे कि PMCH में कैंटीन ना है। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ बढ़ते समय ये सुंदर नज़ारा दिखता है, और जब हम इसके मेन गेट के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और उसके नीचे लिखा होता है सेवा धर्म हमारा। यही है वो सुंदर नज़ारा जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने देखने को मिलेगा। देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पर।
और सच में ये देखने में भी अच्छी लगती है। तो गाइज आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक देख लिया, अब जो आप गेट देख रहे हैं ये शुरू हो रहा है हमारा मेन कैंपस वाला एरिया, जहाँ पे यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के डिपार्टमेंट्स हैं और हमारा लेक्चर थिएटर भी यहीं पर चलता है। तो दोस्तों कैंपस में एंटर करते ही आपको सबसे पहले इतने हरे भरे पेड़ दिखेंगे जिनको देखकर आपका दिल पहले ही खुश हो जाएगा, और इसके अंदर जाना अब हम शुरू करते हैं। तो आपको देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइज अब आप जो गेट देख रहे हैं वो है लेक्चर हॉल की तरफ जाने वाला गेट। यहाँ पर से दो लेक्चर हॉल मिलते हैं आगे, जहाँ पर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लेक्चर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर का लेक्चर कहीं और होता है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने जा रहा हूँ। अब जो आप देख रहे हैं वो है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूँ कि बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है। और उसके बाद अब आप जो देखने जा रहे हैं वो है नीचे लिखा हुआ वहाँ पर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट भी फर्स्ट ईयर का ही सब्जेक्ट है। और इसके बाद एक और डिपार्टमेंट होता है एनाटॉमी डिपार्टमेंट, जो कि वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आपके जो भी प्रैक्टिकल्स और लैब वाला काम होगा वो सारा इसी एरिया में होने वाला है। और मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर में अपना बायोकेम और फिजियोलॉजी का सारा लैब क्लासेस इधर ही किया था। अब यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये है एनाटॉमी विभाग, यानी कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट। ये भी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का कहना होता है कि ये सबसे टफ सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर MBBS की स्टडीज में। तो ऐसा दिखता है हमारा एनाटॉमी विभाग। अब इसके बाद जो कि आप सबसे ज़्यादा देखना चाह रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स कहाँ होंगे, फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स हम किस जगह पे करेंगे, तो वो है इस जगह पर। आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लू कलर की बिल्डिंग है उसी में ऊपर हमारा फर्स्ट ईयर का MBBS का लेक्चर होता है, यानी जितने भी थियोरिटिकल जो भी आपके पढ़ाई होंगे वो सब कुछ वहीं पर किया जाएगा। और जो भी लैब वाले काम होंगे वो मैंने आपको अभी जो डिपार्टमेंट्स दिखाए वहाँ पर किया जाएगा। और गाइज एक बात ज़रूर मान लेना कि फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर हॉल हैं वो बाकी सारे लेक्चर हॉल से बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, तो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस तो आपका बढ़िया होने वाला है भाई। यहाँ से आगे आप जो वो नीचे के गेट्स देख रहे हैं वहाँ पर से हम इंटर करते हैं डाइसेक्शन हॉल में, जो कि फर्स्ट ईयर में ही आपको करने के लिए होता है। एनाटॉमी का एक पार्ट होता है डाइसेक्शन। ये जो गेट देख रहे हैं यहाँ से भी एक नया लेक्चर हॉल ही खुलता है। आपको फर्स्ट ईयर में दो लेक्चर हॉल्स मिलते हैं और वो दोनों ही बहुत ही हाईटेक हैं। इस जगह पर कभी कभी हम लोग अपने दोस्तों को लाकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये है ऊपर जाने वाला लेक्चर हॉल का गेट, जहाँ से हम लोग ऊपर वाले फर्स्ट ईयर के लेक्चर हॉल की तरफ जाते हैं। एक बहुत ही रोमांचक चीज़ जो आपको पसंद आए कि वो है ये, आप देख सकते हैं कि आपका जहाँ पर फर्स्ट ईयर का लेक्चर चलेगा वहाँ से आप डायरेक्ट पटना के मरीन ड्राइव और घाट को देख पाएंगे, साथ ही साथ गंगा नदी को भी देख पाएंगे। इससे बढ़िया व्यू आपको पूरे पटना में किसी भी कॉलेज में नहीं मिलने वाला। तो ये था लेक्चर थिएटर के साइड का व्यू। अब चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। ये है वही एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यानी कि प्रिंसिपल ऑफिस, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले दिखलाया था। आप देख सकते हैं अंदर का व्यू सामने से। सो गाइज ये तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था जो कि मैंने आपको दिखला दिया। इसके बगल में है हमारा PMCS का कैंटीन,
जहाँ पे हम लोग जब भी भूख लगता है या हमें कुछ पीना होता है तो हम लोग यहाँ पर आकर खा पी लेते हैं। इन दोनों के बीच में एक गली देखने को मिलती है जो कि सीधे जाती है घाट पर। आइए चलकर आपको दिखलाता हूँ। तो इस तरीके से हम जाते हैं यहाँ से और बहुत ही जल्दी घाट पर पहुँच जाते हैं। हर घाट पर आपको इस तरीके से मंदिर देखने को मिलेगा जहाँ पर कुछ देवी देवताओं के मूर्ति लगे होते हैं। तो जब हम घाट पर उतरते हैं तो हमें यहाँ पर दिखने को मिलता है TN बनर्जी घाट। तो हमारे कैंटीन के जो पास वाली गली है वहाँ से जब जिस घाट पर हम लोग पहुँचते हैं वो है TN बनर्जी घाट। सामने गंगा नदी दिख रही है और ये है वो घाट जहाँ पर जब हम लोग शाम में और सुबह में जब भी मन करता है तो वॉक करने के लिए आ जाते हैं। और गाइज ये आप देख रहे हैं ये है PMCH का सेंट्रल लाइब्रेरी। सो गाइज इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और उसके साथ साथ कैंपस का पूरा एरिया दिखा दिया। अब इससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में बढ़ जाते हैं और हॉस्पिटल इमरजेंसी वाले एरिया में पहुँच जाते हैं जिसका कि आगे के वीडियो में आपको सीन देखने को मिलेगा। सो ये था वीडियो का पार्ट 1। वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। होप करता हूँ कि आप जल्दी ही PMCH में आकर मुझसे मिलेंगे। बाय बाय।